नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राधे। लाखों लोगों के दिलों में राज करने वाले, जी हाँ, भगवान नाम की ज्योत जलाने वाले परम पूज्य श्री शांति दूत धर्म रतन श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज प्रथम बार इन दिनों मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार, पीठाधीश्वर सरकार, ग्राम गढ़ा पोस्टगंज जिला छतरपुर में श्रीमद् भागवत कथा का आश्वान कर रहे और करवाते हैं। कथा से पूर्व श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज और बागेश्वर धाम सरकार का मिलन हुआ। छतरपुर शहर में कलश यात्रा भी निकली थी जब भागवत कथा हुई थी। जी हाँ, आपको बताते चले, ये भव्य कलश यात्रा श्री बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आश्रम पर कथा हुई थी। पहले तो महाराज जी ने मंदिर प्रांगण में ही पूजा पाठ की, सारी औपचारिकता करवाई। उसके बाद कलश यात्रा का श्री गणेश किया, पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज जी के सन्निधि में शुरू की गई। इस कलश यात्रा में माता बहनों और भाई बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये भव्य कलश यात्रा पूरे ब्रंड बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें सिर पर रखे सुसज्जित कलश के साथ माता बहनें और भक्तगण बैंड बाजे की भक्ति भरी धुन पर नाचते हुए झूमते हुए नजर आ रहे हैं। कलश यात्रा में अपने भक्तों के साथ स्वयं पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी और बागेश्वर धाम सरकार चलते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ कुछ दिखाई भी दे रहा है, बागेश्वर धाम सरकार के साथ देवकीनंदन ठाकुर जी चल रहे हैं और बागेश्वर धाम सरकार के सर पर कपड़े के ऊपर श्रीमद् भागवत कथा राधे राधे लिखा हुआ है और जो कि सिर पर लेकर खुद ही गुरुदेव चल रहे हैं। इस चित्रों के माध्यम से बताना चाहते हैं, बागेश्वर धाम सरकार और देवकीनंदन ठाकुर जी कितने सरल स्वभाव के हैं और सनातनियों से कितना प्रेम करते हैं। अगर आप भी सनातनी हो, सनातनों को प्रेम करते हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राधे।